आलु को प्रायत आम सब रेसीपी यूज कर टेस्ट समस्त को बहुत पसंद आसे। आज मुझे आलुर पूरा डिफरेंट रेसीपी बनई देखी। आलु बेसन गोटे बहुत ही बढ़िया रेसीपी जहाँ को आपड़ रुटी सहित खाईपर भात सहित खाईपर खाइप बहुत ही टेस्ट लगे। और डेरी कहीं चलतु फटाफट स्टार्ट करवा रेसीपी। मसला बनई नौ मसला बनवाई मुझे ग्राइंडिंग जार नहीं जो जारे आम मसला बाटिकी नहीं था दे गोटे छोट चमच धनिया यहाँ गोटा धनिया अच्छे कंचा धनिया ता संगे ये दुईटा कंचा लंका मुझे कंचा लंका ऐड करवा टोटली ऑप्शनल अच्छे भल स्मेल मुझे कंचा लंका देचे ता संगे अल्प किसी धनिया पत्र देदेली आबे मुझे छु सात पाखुड़ा हाँ रसुण रसुण स्मेल ये रेसीपी बहुत ही बढ़िया आसो और खाइबा बहुत ही टेस्ट लगे। एबे एथिरे आधा चमच रु टिके कम पान मधुरी दे दौचे एटा कंचा पान मधुरी अच्छे तरकार टेस्ट को एटा मध्ये बहुत ही बढ़िया से एनहांस करिबो तरकार फ्लेवर टा बहुत ही भल आसिबो। जदि घरे पान मधुरी नाही आपण एको स्किप करि परिबे। आधा चमच रु टिके कम जीरा दे देली सब को भल के ग्राइंड करके आमे साइड रे रखि दबा। चार पांच टी मीडियम साइज रा सिज्जा आलू मुठी नहींचे आ आलू को भल कि ठंडा कला नौचे एवं एक छोट छोट पीस करके काटिकी नहीं जावा मुझे मीडियम साइज रा आलू को काटिकी नौ आपड़ चाहिए बड़ साइज रखिपारे या छोट साइज करेंगे। सब आलू गुड़ी समान साइज करके काटिक साइड रखिदे। एपटे मुझे कड़ाई गरम हाँ रखीदी और कड़ाई गरम होद दुई बड़ चमच रिफाइन तेल आपड़ चाहिए रेसीपी को सोरस तेल बन पारे ना बटर में करेंगे। तेल को टिके समय गरम हाँ छाड़ देवा तेल हाल्का गरम होगापर अधा चमच जीरा मुझे दूचे आईटा गोटा जीरा अच्छे तांगे दुई बड़ चमच बेसन मुझे बेसन को तेल देलापर गोटे दुई मिनिट को भल कि मिक्स कर ना बेसन रेल गला पर्यटन और तार कलर चेंज होगा पर्यटन आमे बेसन को भाजी ना बेसन रो कलर देखो तो चेंज आम काटिकी रखि आलू को एद भल कि बेसन सहित आलू को मिक्स कर ना आलू आ बेसन भल कि गोटे कोट बनीगला देखा बहुत ही सुंदर लगुच। बेसन को भल कि भाजिकी यूज करने द्वारा तार रेलटा पलि जाए जहाँकि खाया बहुत ही टेस्ट लगी था आलूर टेस्ट को पूरा डबल कर दिए। एबे एथिरे अधा चमच हलदी आधा चमच लंका गुंड मु ऐड कर नहीं आलूर स्वाद अनुसार लुण ये एबे सब गुड़ाक भल कि आउ थे मिक्स कर ना आलू को भाजवापी एमती किसी समय छाड़ दबा पखापाखि चार रु पांच मिनिट मु आलू को लो टू मीडियम हिट्रे रखिक भाजवापी छाड़ दौर किसी समय पर आलू चारिपट जाकर भल कि भाजी गला आउ बेसन जो कोटा आम ए आड करें तार कलर पूरा चेंज हो गोटे प्लेट को बाहर करने आपण चाहिए आलू को एमती ही खाली रुटी आ परटा सहित खाईपरि कि हालका ग्रेवी बनई नौचे। ग्रेवी बनवाई मुझे सेम कड़े को आउ थे बसई ने गोटे छोट चमच तेल मुझे देचे ये तेल को टिके टाइम पर गरम होगापी छाड़ दबा। तेल गरम होगापर मुझे गोटे छोट साइज पिज जहाँ को छोट छोट करके काटिकी नहीं पिज को आम किसी समय भाजवाप छाड़ा जमीक पिजर कलर टा चेंज हो गोटे दुई थर मिक्स कलापर एवं देखते पिजर कलर हल्का फुल्का चेंज हे स्टार्ट कला तो मुझे गोटे बड़ सैज्र टमाटो जहाँकि काटिकी नहीं से टमाटो को देदे। टमाटो जल्दी नरम होगापी मुझे अधा चमच रु टे कम हम लुण एदे जहाँकि मोर पूरा ग्रेवी लुण परफेक्ट रहीबे। अधा चमच रु टे कम हलदीदे भल कि मिक्स करके किसी टाइम एमती छाड़द दुई रु तीन मिनिट भितर टमाटो हाल्का नरम हो गलानी ये तीन रु चार रसुण पाखुड़ा नहीं छोट छोट काटिकी रसुण को काटिकी एड करने द्वारा आम टेस्टा पूरा चटपटा आसब खाइप बहुत ही टेस्ट लगे। टमाटो भल कि नरम हो गलानी आम आड कर कंचा रसुण भाजी गलानी एवं आम आगुरी ही बाटिक रखि मसला को देदेबा ये मसला ऐड करने द्वारा यार टेस्टा पूरा डबल हो खाइबा आपको बहुत ही टेस्टी लगे। रुटी परटा पूरी जहाँ सहित भी खाइबे आपको बहुत पसंद आसो टिके टाइम ये मसला को कसी ना तार रेल जावा पर्यटन ये मसलार सब पा सुखीगला मसला भल कि भाजी गला किंतु मसलार कलर हल्का फिका लगुच तो मुझे अधा चमच पाखापाखि लंका गुंड दे दौचे ये कलर पाला लंका गुंड अच्छे एवं एक भल कि मिक्स कर ना ये मसला को आउ गोटे दुई मिनिट एमती कषि छाड़ दबा।
ଗୋଟା ଧନିଆର ସ୍ମେଲ୍ ମସଲାରୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼େ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଅଧା କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି, କାହିଁକିନା ରେସିପିରେ ମୋତେ ଅଧିକା ଗ୍ରେଭି ରଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜାଗାରେ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ଆଉ ମସଲାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି କିଛି ଟାଇମ୍ ଏହାକୁ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆଳୁ ଭିତରେ ମସଲାର ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟପଟା ବନେଇବି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଆଉ ଚାଟପଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କଲର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।